जी, ये हो गए हैं मेरे ब्रेड पॉकेट्स तैयार, बिल्कुल बहुत मज़ेदार। देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं और बहुत अच्छी फिलिंग में, फिलिंग भी बहुत मज़ेदार है। और जब आप खाएंगे बनाएंगे तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत इजी टू कुक रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मानो किचन। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं बनाने लगी हूँ ब्रेड पॉकेट्स, तो देखिएगा बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी है। स्नैक्स के तौर पे बहुत अच्छी है, बच्चों को लंच में देने के लिए बहुत अच्छी है। तो उसके लिए मुझे चाहिए सैंडविच ब्रेड के स्लाइसेस, ये मैंने 4 लिए हैं। पहले मैं ये 2-2 करके इसको स्टार्ट लूँगी। मैंने लिया है मैदा, आप चाहें तो अंडा भी ले सकते हैं, लेकिन मैदे में ये बहुत अच्छे बनते हैं, तो इसलिए मैंने लिया है मैदा। इसको मैंने पतला घोल लिया है, ये देखिए इस तरह का आपने भी बनाना है। और ये ब्रेड क्रम लिया है, ब्रेड क्रम मैंने जो इसके साइडें उतर रही हैं उससे ब्रेड क्रम बनाएंगे, उनको ज़ाया नहीं करेंगे। तो चले चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। पहले मैं ये बता दूँ आपको पॉकेट बनाना, उसके बाद में इसकी फिलिंग दिखाऊंगी। इसको बहुत अच्छे से बेलना है, और जितनी देर में इसे बेल रही हूँ आप इतनी देर में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक फौरी पहुँचे। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलेंगे, ये बहुत अच्छा सा मैंने इसको बेल लिया है। अब हम ये इसका दूसरा पॉकेट भी बनाने के लिए इसको भी बेल लेते हैं। ब्रेड आपको सैंडविच साइज की ही लेनी है, सैंडविच ब्रेड जो होती है, क्योंकि उससे बहुत अच्छे बनते हैं, साइज भी बड़ा बनेगा और बनेगी भी बहुत मज़ेदार। मैंने बहुत अच्छा सा इसको बेल लिया है बिल्कुल। ये मैंने लिया है, ये आइसक्रीम की बकेट है, उसका कैप है, और ये इससे अच्छा साइज बन रहा है, तो मैं इसको ले लिया और इससे हम इसे करेंगे कट। इसे आप गोल गोल घुमाएंगे तो ये रिंग की सूरत में कट हो जाएगा। ये देखिए ये हो गया कट, और ये हमारा स्लाइस बन गया। अब हम दूसरे को भी इसी तरह कट कर लेंगे। देखिए मेरा दूसरा स्लाइस भी कट हो गया है। हम चलते हैं इसको फ्राई के लिए, फ्लेम को ऑन करेंगे। ये मैंने इसमें ले लिया ऑयल, इसको थोड़ा सा गर्म करेंगे ऑयल को। अब ये देखिए मैंने कट कर लिए हैं बहुत अच्छे से, बिल्कुल गोल सर्कल में बने ये। अब इसे हम करेंगे मैदे में डिप। मैदे में इसको अच्छे से डिप करना है, ये बहुत अच्छा सा डिप हो गया है। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे ब्रेड क्रम्ब। इसको बहुत अच्छे से ब्रेड क्रम्ब लगाएंगे, और ब्रेड क्रम्ब आपने जो बनाना है इसी की जो साइडें उतरी है उससे ब्रेड क्रम्ब बहुत अच्छा बनेगा। देखिए जी ये लग गया है। अब मैं इसे कर रही हूँ फ्राई। हाँ
मेरी कढ़ाई छोटी है तो इसमें एक ही करके फ्राई होगा। ये देखिए अब ये जो है फूल रहा है बिल्कुल जैसे कचौरियाँ बनाते हैं इस तरह से, और बहुत अच्छा सा पॉकेट हमारा बन जाएगा। देखिए मेरा बहुत अच्छा सा पॉकेट बन गया है, अब मैं इसे निकाल दूंगी। ये देखिए कितना अच्छा फ्राई हुआ है, ये बहुत अच्छा सा फ्राई हो गया और बहुत अच्छा सा ये फूल गया। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। तो हम बनाने लगे हैं इसकी फिलिंग। ये मैंने चिकन को बॉईल करके बारीक बारीक रेशो में कर लिया था। ये मैंने प्याज भी इसकी बारीक बारीक चॉप कर ली है और खीरा साथ में मैंने बारीक चॉप किया है। तो अब हम ऐड करते हैं इसमें ये सारी प्याज। बहुत अच्छे से बारीक चॉप कीजिएगा ताकि वो टेस्ट में अच्छी आए। अच्छा ये मैंने बारीक खीरा भी चॉप किया है और थोड़ा सा स्लाइसेस में भी काटा है, तो इसका भी मैं इस्तेमाल जब करूँगी तो आपको बताऊँगी। और इसमें ऐड करेंगे हम मायोनीज़। मैंने बना के रखी हुई थी, अब वो ख़त्म हो गई है, इस वजह से मुझे बाज़ार से मंगा के करना पड़ा, वरना मैं अपने मायोनीज खुद बनाती हूँ और बहुत टेस्टी बनती है। हाफ टी स्पून इसमें जाएगा कुटी मिर्च, 1 टीस्पून मैंने नमक लिया, 1/2 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च। अब इन्हें सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये हमारी हो गई है फिलिंग रेडी इसकी। बहुत अच्छी सी हमारी फिलिंग रेडी हो गई है, बहुत मज़ेदार है। अब हम करते हैं पॉकेट की कटिंग। ये हो गए हमारे पॉकेट तैयार और अब हम इसको करेंगे बहुत ही नफासत के साथ बीच में से कट। और ये हो गए हैं कट, और ये देखिए ये बन गए हैं हमारे पॉकेट्स। ये देखिए कितने अच्छे और ख़ूबसूरत, बिल्कुल अंदर से ड्राई है, इनका कोई भी नहीं है। ये देखिए कितनी अच्छी पॉकेट्स हमारी बन गई है। अब इसी तरह हम अपने दूसरे पॉकेट को भी कट कर लेंगे। ये हो गए हैं हमारे पॉकेट्स रेडी। और ये देखें, ये आप देख रहे होंगे साथ में सॉस रखी है, तो ये मैंने केचप और मेयोनीज़ को मिला के एक सॉस सी बना ली है और उस सॉस को हम अंदर इसमें लगाएंगे। और ये मैंने ट्रे भी यहाँ पे गार्निश कर दी है ये पॉकेट्स रखने के लिए। देखिए अंदर हम इस तरह से इसको पॉकेट्स पे मानी ये लगा देंगे अपनी सॉस जो हमने बनाई है। और इसके अंदर हम करेंगे ये चिकन की फिलिंग जो हमने तैयार की है। ये देखिए इस तरह करके हम इसे पॉकेट्स तैयार कर लेंगे और ये इसमें ये बहुत मज़े की बनती है केचप और मायोनीज की सॉस। और ये आप ज़रूर कभी नहीं हो कोई चटनी वगैरह हो कोई चीज़ खानी है तो उसके साथ ये सॉस बहुत मज़ेदार लगती है हर चीज़ के साथ ही। तो जब आप खाएंगे तो आपको वाकई आइडिया होगा कि वाकई बहुत मज़ेदार बनती है। ये देखिए ये हो गई है हमारी पॉकेट्स। सबको इसी तरह से हमने लगा लेना है। ये चूंकि अभी थोड़ी गर्म है और मैं फौरी तैयार कर रही हूँ, आप थोड़ा सा इसको टाइम देके करेंगे तो ये और ज्यादा बहुत अच्छी इनकी शेप आएगी। जी ये हो गए हैं मेरे ब्रेड पॉकेट्स तैयार, बिल्कुल बहुत मज़ेदार। देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं और बहुत अच्छी फिलिंग भी बहुत मज़ेदार है। और जब आप खाएंगे बनाएंगे तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत इजी टू कुक रेसिपी है।
ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। एक दफ़ा फिर कहूँगी, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।